उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस और स्थानीय अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ना उसके नाखून उखाड़े गए थे, ना उसे करंट दिया गया था, मगर पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया लगातार आपको भड़का रहा है झूठी खबरें देकर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है, तिहाड़ जेल में जो व्यक्ति पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसे अपने मंच पर जगह देना। दोस्तों, बहराइच के अंदर की तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरह से वहां के हालात बन चुके, लेकिन इस चीज से मोदी जी और योगी जी किसी भी तरह से नहीं बच सकते, किसी भी तरह से वो किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश को दंगे में झोंकने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना घटी है उसको लेकर किस तरह से गोदी मीडिया इस वक्त जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसके आधार पर सिर्फ और सिर्फ जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है गोदी मीडिया, और इसको एक बड़ा दंगे में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा जी, उनकी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और गोदी मीडिया का असली चेहरा आप लोग देखिएगा कि किस तरह से झूठ आप लोगों के सामने वो परोसता है। उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस और स्थानीय अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहराइच में जो सांप्रदायिक टकराव हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या कर दी गई थी, ना उसके नाखून उखाड़े गए थे, ना उसे करंट दिया गया था, मगर पिछले 48 घंटों से गोदी मीडिया लगातार आपको भड़का रहा है झूठी खबरें देकर। दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है, तिहाड़ जेल में जो व्यक्ति पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है उसे अपने मंच पर जगह देना, मगर उसका झूठ आपको बतलाना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरह से यह अपने मंच पर झूठ बोल रहा है, भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है कि राम गोपाल मिश्र को करंट दिया गया, उसके नाखून उखाड़े गए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है, यह व्यक्ति पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा है। किस तरह से आपको झूठ कहा जा रहा है, कितनी शॉकिंग बात है। सबसे पहले सुनिए यह व्यक्ति कह क्या रहा है, क्योंकि महज इस व्यक्ति का सवाल नहीं है, लगभग सभी न्यूज चैनल्स ने यह झूठ आपके सामने परोसा कि राम गोपाल मिश्र की निर्मम हत्या की गई, हत्या हुई है, दो राय नहीं है, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति राम गोपाल मिश्र और उनके परिवार के साथ है, जो मैं बार बार अपने मंच पर कहता रहा हूं, मगर एक घटना को लेकर लगातार झूठ बोलना, सुनिए यह व्यक्ति क्या कह रहा है। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था, आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे, चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हैमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में कितनी घृणा रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इसका लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ कार्यक्रम करने का। ये वही पत्रकार है, याद है आपको कितने किस्म के जिहाद हैं, 15 या 20 किस्म के जिहाद हैं उस पर इस व्यक्ति ने कार्यक्रम किया था। इसकी पोल कोई और नहीं, बहराइच पुलिस खोल रही है। बहराइच पुलिस ने यह बयान जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग भ्रामक बयान देंगे इस घटनाक्रम के बारे में, झूठ कहेंगे, हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहराइच पुलिस ने यह बयान तो जारी कर दिया है, मगर वो कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि दरअसल बहराइच पुलिस ने कहा क्या है, और आपके स्क्रीन पर दिनांक 13/10/2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना, जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना जैसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण
गोली लगने से हुआ पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार ना करें। यह है बहराइच पुलिस का बयान। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, स्थानीय अधिकारी ने भी इस पर बयान दिया है। मैं आपको उनका बयान सुनाना चाहता हूं और यह बयान बहुत दिलचस्प है दोस्तों। आप देखिएगा, स्थानीय अधिकारी बता रहे हैं कि भाई वो जो नाखून टूटा है वो सिर्फ एक उंगली का टूटा है, एक पैर की उंगली का टूटा है और उसे उखाड़ा नहीं गया है। मगर आप देखिएगा गोदी मीडिया के पत्रकार किस तरह से कुरेद कुरोद कर उनसे झूठ बुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक शब्द को सुनिएगा, थोड़ा लंबा बयान है, सुनिए। मृतक का पोस्टमार्टम किया था, मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें डंडे का मामला है सर, बात सुनने बाद। दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है, पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है, वो किसी चोट से भरने भी आया कुछ संभवतः काला निशान है, संभवतः वर्ण से हुआ है नहीं हुआ है, इस डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बता। कुछ हैवानियत हुई है ऐसा लगता है, कुछ हैवानियत की स्थिति है, बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है क्योंकि तो मौके पर जो है नहीं बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है वो भी लेसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है, और पैर वाली तो आप बात कर ही चुके हैं, कितना ही चोट है इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शरीर पर काफी चोट के निशान मिले, छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं, पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह के जो हल्ला भ्रांति उठ रही है वो सब मिले, यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का एक तिहाई नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है सर। सुना आपने, जैसे स्टूडियो पर बैठे ये तिहाड़ी पत्रकार, वैसे ही जमीन पर काम करने वाले इनके रिपोर्टर्स। आपने सुना किस तरह से लगातार स्थानीय अधिकारी से कहा जा रहा था कि भाई नाखून उखाड़े गए होंगे ना, यातना दी गई होगी ना, ये तमाम बातें कही जा रही थी। मकसद देखिए, मकसद ये कि माहौल को भड़काना। मैं फिर कह रहा हूं, रामगोपाल मिश्र की निर्मम हत्या हुई है, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। और आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, यह पूरा विवाद खड़ा तब हुआ दोस्तों जब एक दुर्गा विसर्जन यात्रा मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रही थी। आरोप यह लगाया जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक गाने चलाए जा रहे थे, और फिर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से रामगोपाल मिश्र एक छत पर चढ़ जाता है और वहां से इस्लामिक झंडे को फाड़ देता है, और न सिर्फ ये होता है उनकी छत को भी नुकसान पहुंचता है और फिर वो भगवा झंडा फहराता है। लेकिन ये तस्वीर इसी के 25 मिनट बाद रामगोपाल मिश्र को मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बाराबंकी का भी एक वीडियो सामने उभर कर आया था। एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक यात्रा जो है वो खड़ी हो जाती है, खबर यह आ रही है कि वहां पर मस्जिद के अंदर चप्पल फेंकी गई और बात वहां नहीं रुकी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, बाकायदा डीजे गाना चला रहा है, मां की गाली देने वाला गाना, और वो गाना मैं आपको सुना भी नहीं सकता हूं दोस्तों। कहने का अर्थ साफ है, मां बहन की गाली। आप हमारी श्रद्धेय दुर्गा जी, दुर्गा माता का एक धार्मिक जुलूस निकालते हैं और उस धार्मिक जुलूस में मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं। यह सब हो रहा है दोस्तों धार्मिक आयोजनों के नाम पर।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक मस्जिद के सामने गंदी गंदी गालियां देकर आप मस्जिद का अपमान कहां कर रहे हैं? आप तो मेरे धार्मिक रीतियों का ही अपमान कर रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात, जब एक मुस्लिम बाहुल इलाके से एक हिंदू धार्मिक यात्रा गुजरती है तो यहां दो मुद्दे हैं। मुसलमानों को गुस्सा होने की क्या जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप एक मुस्लिम बाहुल इलाके से अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं तो आपको भड़काऊ गाने चलाने की क्या जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, और ये तीसरी बात है, क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ संवाद किया कि आप एक धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो भड़काऊ गाने नहीं चलाएंगे? मुसलमानों से बात की कि आप जो है कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे माहौल भड़कता है? आपको दोनों पक्षों को बिठाकर उनसे संवाद करना चाहिए, और यह संवाद प्रशासन ने नहीं किया। और दूसरी तरफ आज तक जैसा न्यूज चैनल झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा है, मुद्दा सिर्फ आज तक नहीं है दोस्तों, हर गोदी मीडिया न्यूज चैनल ने लगभग यही किया। सोचिए समाज की नसों में किस तरह से जहर भरा जा रहा है, देखिए जी न्यूज ने क्या कहा। राम गोपाल के शरीर में 35 छर्रे लगे हुए थे, हत्या से पहले उसे तड़पाया गया था, नाखून उखाड़े गए, राम गोपाल को करंट भी लगाया गया। तो जो लोग ये कह रहे थे कि वहां पर झड़प हुई थी और अचानक गोली मार दी, उनके लिए उनके मुंह पर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तमाचा है, क्योंकि इसमें बस आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक वीडियो के अंदर दिखाया गया कि किस तरह से गोदी मीडिया, जिस पर आज हमारे देश की जनता आंख बंद करके भरोसा करती है, वो भी किस तरह से सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर अशांति पैदा करने की कोशिश करता है, देश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, देश के अंदर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की कोशिश करता है। अभी तक इस चीज का कोई साक्ष्य सामने निकल कर नहीं आया कि राम गोपाल मिश्र पर जो फायरिंग की गई है या उसकी जो हत्या की गई है किसी मुसलमान ने, अभी तक इसका कोई साक्ष्य निकल कर नहीं आया कि उस यात्रा के ऊपर पत्थरबाजी की गई। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है बहराइच के अंदर कि जिसने भी ये कार्य किया है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसकी मांग हम भी करते हैं। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।